गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल फाइन? यस, दैट्स ग्रेट। बच्चों, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हमेशा की तरह हम आज भी एक नया व्यंजन सीखने जा रहे हैं। कौन सा व्यंजन? ग्य। ग्य। चलिए हम सीख लेते हैं कि ग्य से क्या क्या होता है। ग्य से ज्ञान। बच्चों, जब आप अपना होमवर्क करते हैं और जब आप अपनी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है बदले में? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, और ज्ञ से ज्ञानी। जब आपको नॉलेज मिलती है तो आप क्या बन जाते हैं? ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन। ज्ञ से और क्या होता है? ज्ञ से ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञ से ज्ञानालय। ज्ञानालय किसे बोलते हैं आपको पता है? नहीं ना? ज्ञानालय स्कूल को बोलते हैं। ज्ञ से ज्ञानालय। चलिए बच्चों, अब हम ज्ञ बनाना सीख लेते हैं। ज्ञ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, और फिर कर्व्ड रेखा, और उसकी हम एक पूंछ बना देते हैं, जैसे हम द में बनाते हैं। जैसे द की पूंछ बनाते हैं ना, ऐसे ही हम इसकी भी पूंछ बनाते हैं, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। बन गया हमारा ग्य। बच्चों, अब हम अपनी बुक में ग्य बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व्ड रेखा, और फिर उसकी पूंछ, और सबसे बाद में स्लीपिंग लाइन। बन गया हमारा ग्य। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व और उसकी पूंछ। बच्चों, ये आपका होमवर्क है जिसे आपको धीरे धीरे और सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड बाय।